नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। हरदोई में जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 खा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। साथ ही बताया कि यदि उन्हें कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों में किसी भी प्रकार की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करना चाहिए। जिला प्रशासन कार्रवाई करने पर बाध्य है। 27 अक्टूबर 2023 से जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, उस दौरान जनपद हरदोई ने विधानसभावार मतदाता सूचियों में अच्छे कार्य के और उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित किया गया जनपद को। क्योंकि जनपद में चाहे जेंडर रेशियो हो, चाहे एपी रेशियो हो, न्यू इलेक्टर्स का एडिशन हो या डुप्लीकेट और डेड वोटर्स का डिलीशन हो, इन सब में ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनपद ने अच्छा कार्य किया और उसी के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा जनपद को सम्मानित किया गया है। इसके लिए हम भारत निर्वाचन आयोग के प्रति और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।